स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम 2020 के करंट अफेयर्स पे डिस्कस कर रहे हैं और ये नेक्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं। इसके पहले आप कुछ पार्ट देख चुके हैं। देखिए, चर्चा करेंगे ट्रूनॉट के विषय में। ट्रूनॉट क्या है? ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने तपेदिक के निदान के लिए भारत के स्वदेशी उपकरण ट्रूनॉट को जो है सार्वजनिक करने की स्वीकृति दे दी है। अब ये TB के इलाज के लिए है, तपेदिक के लिए, और ट्रूनॉट को स्वीकृति मिली है। तो ट्रूनॉट क्या है? ट्रूनॉट TB परीक्षण का एक नया आणविक परीक्षण है जो 1 घंटे में TB की जांच कर सकता है, ट्रूनॉट TB टेस्ट। और साथ साथ ये जो है रिफैम्पसिन के उपचार के प्रति प्रतिरोध की भी जांच कर सकता है, यानी कि ये एक प्रकार से TB का टेस्ट करने का जो है एक परीक्षण है जिसको WHO ने स्वीकृति दे दी है। ये रिफैम्पसिन क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग कई प्रकार के जीवाणु संक्रमण जैसे तपेदिक यानी TB के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, एंटीबायोटिक के प्रति जो है प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, तो ये उसकी भी जांच कर सकता है कि ये एंटीबायोटिक काम करेगी या नहीं करेगी। इस उपकरण को गोवा की मोल बायो डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है, मोल बायो डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ताल ज्वालामुखी, देखिए फिलीपींस की राजधानी मनीला है, वहीं पास में ही उससे 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है लुजोन द्वीप। लुजोन द्वीप जो है फिलीपींस का ही द्वीप है, उस पर स्थित है ताल ज्वालामुखी। उसमें अभी उद्गार हुआ है इसीलिए वो न्यूज में है। फिलीपींस 2 टेक्टोनिक प्लेटों यानी फिलीपींस समुद्री प्लेट और यूरेशियन प्लेट की सीमा पर स्थित है और इस वजह से वहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी जो है वो आते रहते हैं। तो आपको याद रखना है ताल ज्वालामुखी कहाँ है। ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में है और ये किस द्वीप पर है? लुजोन द्वीप पर है। भारतीय सेना दिवस, भारत में प्रतिवर्ष 15 जनवरी को जवानों और भारतीय सेना के सम्मान में सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस मनाने की शुरुआत जो है 1949 में ही कर दी गई थी और ये 72वां सेना दिवस मनाया गया है इस वर्ष। भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में की गई थी और भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य है वो है सेवा से स्वयं से पहले सेवा, सर्विस बिफोर सेल्फ। तो ये 72वां सेना दिवस में खास क्या है? देखिए, इस बार नई दिल्ली में आयोजित सेना दिवस परेड में पहली बार एक महिला कैप्टन तानिया शेरगिल ने पुरुष जवान टुकड़ी का नेतृत्व किया है। किसने किया है? तानिया शेरगिल ये महिला है, इन्होंने पुरुष जवान टुकड़ी का नेतृत्व किया है। ये इस जो है 72वें सेना दिवस की खास बात है। इस परेड में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल हुए हैं। देखिए, नया पद है और पहली बार ये बने हैं जनरल बिपिन रावत। ये क्या बने हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये भी इसमें शामिल हुए। ये 2 खास चीज़ें रहीं इसमें। पृथ्वी पर सबसे पुराना पदार्थ कौन सा है? देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों ने मुर्चिसन उल्कापिड से सिलिकन कार्बाइड के 4.6 से 7 बिलियन साल पुराने प्री सोलर कण खोजे हैं। मुर्चिसन जो है उल्कापिंड वर्ष 1969 में ऑस्ट्रेलिया में गिरा था और उसी से ये प्री सोलर कण खोजे गए हैं। देखिए, सिलिकन कार्बाइड के प्री सोलर ग्रेन अब तक मिले सबसे पुराने ठोस पदार्थ हैं। ये कण सौर मंडल के निर्माण से पहले बने थे, इसलिए इनको प्री सोलर कण कहा जाता है। ये सिलिकन कार्बाइड क्या है? SiC। सिलिकन कार्बाइड जिसे कार्बोरंडम भी कहा जाता है, सिलिकन और कार्बन का एक यौगिक होता है SiC। सिलिकन कार्बाइड एक अर्धचालक पदार्थ है, इसका उपयोग अर्धचालक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। सक्षम 2020, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने 16 जनवरी 2020 को पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ ने वार्षिक जन केंद्रित ईंधन संरक्षण मेगा अभियान सक्षम 2020 का शुभारंभ किया है। इसका पूरा नाम है संरक्षण क्षमता महोत्सव, संरक्षण क्षमता महोत्सव, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको सक्षम कहा जाता है। इस अभियान का उद्देश्य है जन केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से ईंधन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है। अगली न्यूज है,
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने 15 जनवरी 2020 को जो है अपना 5वां वार्षिक दिवस मनाया है। केंद्रीय जो दत्तक संसाधन प्राधिकरण है यानी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी CRA, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक संविधिक निकाय है। ये भारतीय अनाथ बच्चों के पालन पोषण, देखभाल करने एवं उन्हें गोद देने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यानी अगर आप कोई बच्चा गोद लेना चाहते हैं या अनाथ बच्चों का लालन पालन पोषण देखभाल इत्यादि जो है उसकी नोडल एजेंसी के रूप में ये जो संस्थान है केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ये काम करता है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020। ये जो हेनले पासपोर्ट सूचकांक है ये पासपोर्ट के विषय में जानकारी देता है। देखिए क्या है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 ने भारत के पासपोर्ट को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है, 84वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत के पासपोर्ट को। देखिए इस सूचकांक में कुल 199 पासपोर्ट 227 छोटे बड़े देशों को शामिल किया गया था। इस सूचकांक में भारत की जो मोबिलिटी स्कोर है वो 58 है। इसका मतलब यह है कि भारत के पासपोर्ट से आप विश्व के 58 देशों में बिना किसी पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं। और 2019 में भारत का 82वां स्थान था और अब 2020 में भारत का 84वां स्थान है। जास्कर नदी, देखिए जास्कर नदी चर्चा में रही क्योंकि भारतीय वायुसेना ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बर्फ से ढकी जास्कर नदी से 107 लोगों को बचाया है। जास्कर नदी के बारे में जान लीजिए। देखिए जास्कर नदी उत्तर की ओर बहने वाली सिंध की सहायक नदी है। ये जास्कर सिंधु से निकलती है और सिंध नदी की एक सहायक नदी है। इसे दो धाराओं से मिलकर के ये नदी बनती है। इसकी पहली धारा जिसको डोडा कहा जाता है ये जो है पेंसिला दर्रे के पास से निकलता है और दूसरी धारा इसकी जो है वो करग्याग नदी है और तसराप नदी से होता है। ये दूसरी धारा है। ये दोनों नदियाँ पुरने गांव के पास आपस में मिल करके जो है लुंगड़क नदी का निर्माण करती हैं। यानी एक तो डोडा हो गई और दूसरी हो गई लुंगड़क नदी। ये दोनों मिल करके लुंगड़क नदी और डोडा नदी मिल करके जास्कर नदी का निर्माण करती हैं और जास्कर जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है जो लद्दाख में सिंधु नदी से मिल जाती है। चादर ट्रैक, सर्दी के मौसम में क्या होता है, जास्कर नदी के जम जाने से इसे चादर ट्रैक कहा जाता है। ये पूरा ठंड में जम जाती है बर्फ़ से। तो चादर ट्रैक जो है वैश्विक मान्यता मिलने के कारण प्रत्येक वर्ष कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक चादर ट्रैक पर ट्रैकिंग करने के लिए जास्कर घाटी का दौरा करते हैं। यानी इस पे लोग ट्रैकिंग करने आते हैं। सेलुलर जेल चर्चा में रही है और इतिहास का भी विषय है सेलुलर जेल के विषय में, चलिए कुछ जानते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मानव संसाधन विकास मंत्री एवं सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे सेलुलर जेल और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों में छात्रों के दौरे आयोजित कराएं, यानी छात्रों को वहां पर ले जाएं पर्यटन के दृष्टिकोण से। ये जेल कहां है, ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप में राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर में वहां स्थित है। ये अंग्रेजों के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कैद करने के लिए जेल बनवाई गई थी। वर्ष 1910 में जो है वीर सावरकर को क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ संबंधों के चलते गिरफ्तार किया गया था, उनको यहाँ पर रखा गया था। 1911 में जो है ब्रिटिश सरकार ने वीर सावरकर को 50 वर्ष के कठोर कारावास की सजा जो है सुना करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेलुलर जेल में डाल दिया था। इसके अलावा जो है काफ़ी क्रांतिकारी लोग वहां पर जो है बंद किए गए हैं। वीर सावरकर के अलावा जो है अलीपुर षड्यंत्र केस, नासिक षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, चटगांव शस्त्राकार कांड के तहत जो है तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को जो है सेलुलर जेल में रखा गया है। वर्ष 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत कन्हेरे ने हत्या कर दी थी। अनंत कन्हेरे को भी नासिक षड्यंत्र केस के तहत जो है सेलुलर जेल में ही बंद किया गया था। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह,
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है जनवरी के महीने में मनाया गया है। इस वर्ष की इसकी थीम रही है युवाओं के माध्यम से परिवर्तन लाना, ब्रिंगिंग चेंजेस थ्रू यूथ। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सभी हितधारकों को सड़क सुरक्षा के प्रति संयुक्त कार्रवाई में भाग लेने का अवसर देना है। जल्लीकट्टू, देखिए जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु राज्य के मदुरई में जल्लीकट्टू कार्यक्रम में जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा जो है सुरक्षा नियमों को लागू करने से दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिली है, ये चर्चा में है। देखिए जल्लीकट्टू का आयोजन प्रत्येक वर्ष जनवरी में पोंगल क्या है? पोंगल एक फसलों की कटाई से संबंधित त्यौहार है, उसी के अवसर पर जो है जल्लीकट्टू का भी आयोजन किया जाता है। जल्लीकट्टू एक बहुत पुराना पारंपरिक खेल है, 2000 साल पुराना खेल है। इसका आयोजन जो है हर साल होता है और इसमें तमाम लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, कुछ लोगों की कभी कभी मौत भी हो जाती है। जल्लीकट्टू तमिल भाषा के दो शब्दों जल्ली और कट्टू से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ है सांड के सींग पर सोने या चांदी से बांधे गए सिक्के। इसका मतलब होता है जल्लीकट्टू का यही अर्थ है। इस खेल में सांड के सींग में सिक्के या नोट फंसाए जाते हैं, फिर उसे भड़का करके भीड़ के ऊपर छोड़ दिया जाता है ताकि लोग जो है सांड को सींगों से पकड़ करके उसको काबू कर सकें। इसमें कई लोग घायल भी हो जाते हैं। ये खेल चर्चा में रहता है, इसलिए इसको आपको जानना चाहिए। कथक और कव्वाली दोनों के विषय में आप जानते हैं, देखिए न्यूज में क्या है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आधिकारिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कथक कलाकार मंजरी चतुर्वेदी को कव्वाली के साथ कथक प्रदर्शित करने से रोक दिया गया। यानी मंजरी जो चतुर्वेदी हैं वो कव्वाली के साथ कथक प्रदर्शित करने से इनको रोक दिया गया। मंजरी चतुर्वेदी मशहूर सूफी व कथक नृत्यांगना हैं। इनका ताल्लुक लखनऊ घराने से है जो देश में गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। ये कव्वाली क्या है? देखिए कव्वाली सूफी भक्ति संगीत है। कव्वाली जो होता है वो सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है, अर्थात कव्वाली सूफियों द्वारा भगवान से जो है निकटता प्रदर्शित करने के लिए गाया जाता है। कव्वाली गीत ज़्यादातर पंजाबी और उर्दू भाषा में जो है गाए जाते हैं। अमीर खुसरो जानते होंगे आप, अमीर खुसरो भारतीय इतिहास के मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध सूफी संत हैं। इन्होंने जो है ये कवि हैं और संगीतज्ञ भी। संगीत के क्षेत्र में खुसरो ने गज़ल कव्वाली और तराने का जो है श्री गणेश किया था। कथक क्या है? कथक जो है वो उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है कथक। इसमें पौराणिक कथाओं के साथ ईरानी और उर्दू कविता से जो है ली गई विषय वस्तुओं के साथ में नाट्य रूप का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। और तीसरी चीज़ है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के कलाकारों से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध घराना है। इसका उदय जो है अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। वर्तमान में अगर बात करें तो पंडित बिरजू महाराज जो है इस घराने के मुख्य प्रतिनिधि माने जाते हैं। गोंड जनजाति, देखिए गोंड जनजाति चर्चा में रही है और जनजातियाँ जितनी भी हैं सब आपको जाननी चाहिए। गोंड जनजाति विश्व के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक है। ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसका संबंध जो है प्राक द्रविड़ प्रजाति से है। इसकी त्वचा का रंग काला होता है, बाल काले होते हैं, होंठ मोटे, नाक बड़ी फैली हुई होती है। ये अलिखित भाषा गोंडी बोलते हैं जिसका संबंध द्रविड़ भाषा से है। यानी कि ये जो भाषा बोलते हैं गोंडी वो एक अलिखित भाषा है। ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में रहते हैं। दूसरी देखिए एक जनजाति और भी चर्चा में रही है, बैगा जनजाति। बैगा जनजाति विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में से एक है। ये कमजोर जनजाति समूहों में से एक है। देखिए बैगा जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती है। मुख्य रूप से अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, किंतु छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश राज्यों में भी इस जनजाति के लोग निवास करते हैं।
बैगा लोग बैंगनी बोली जो है बैगानी बोली बोलते हैं, जो गोंडी बोली से प्रभावित छत्तीसगढ़ी बोली का ही एक रूप है। यानी बैगा लोगों की जो भाषा बोली है वो है बैगानी, और ये जो गोंडी बोली है उससे प्रभावित जो है छत्तीसगढ़ी बोली का ही एक रूप है। बैगा जनजाति की महिलाएं अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार के टैटू गुदवाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इरावदी डॉल्फिन, इरावदी नदी आप जानते हैं। हाल ही में जो हुई है डॉल्फिन जनगणना, उसके अनुसार ओडिशा की चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की संख्या 146 बताई गई है। देखिए इरावदी नदी भारत में नहीं है, लेकिन इरावदी नदी जो म्यांमार में है उसमें जो डॉल्फिन पाई जाती है उसको इरावदी डॉल्फिन कहा जाता है, और भारत में चिल्का झील में भी ये डॉल्फिन की प्रजाति पाई जाती है, तो वहाँ पर 146 जो है इरावदी डॉल्फिन पाई गई हैं जो संख्या है उनकी। इरावदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम जो है आर काले बेबिरियोस्टिस है। ये एक सुंदर स्तनपाई जलीय जीव है। इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति जो संरक्षण संघ है यानी IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, इनडेंजर्ड में। इसकी दो प्रजातियां पाई जाती हैं, इरावती डॉल्फिन और स्नबफिल डॉल्फिन। इस प्रजाति का नाम जो है म्यांमार की नदी इरावदी के नाम पर रखा गया है। इरावदी नदी में ये बड़ी संख्या में पाई जाती हैं और यही उनका प्राकृतिक स्थान भी है, निवास स्थान। चिल्का झील में अति संकटपन्न इरावदी डॉल्फिनों का प्राकृतिक आवास है। इसका जल स्थिर होने के कारण यहाँ डॉल्फिन के लिए अनुकूल दशाएं हैं, इसलिए यहाँ पर ये 146 जो है संख्या में उपस्थित हैं। डॉल्फिन की गणना जो है हाइड्रोफोन निगरानी तकनीक से किया जाती है। मतलब डॉल्फिन को अगर गिनना है तो इसके लिए एक तकनीक प्रयोग की जाती है, हाइड्रोफोन निगरानी तकनीक। हाइड्रोफोन एक माइक्रोफोन है जिसे पानी के नीचे आवाज़ को रिकॉर्ड करने या सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसी से जो है गणना की जाती है। K4, देखिए भारत ने K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया है, जिसकी क्षमता 3500 किलोमीटर है। देखिए इसका परीक्षण जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तट पर एक जलमग्न पोंटून यानी कि एक चपटी नाव में किया गया है। एक पोंटून से किया गया यह प्रक्षेपण पनडुब्बी से किए गए प्रक्षेपण जैसा ही होता है। इसे अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी परमाणु पनडुब्बी में तैनात किया जाएगा, जिससे भारत को समुद्र के अंदर से परमाणु हथियारों को लॉन्च करने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। भारतीय नौसेना के पास INS अरिहंत ही एकमात्र ऐसी पनडुब्बी है जो परमाणु क्षमता से लैस है। जो एक K4 है इसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर सकता है। यह 200 किलोग्राम वजनी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, और ये पनडुब्बी में इसको लगाया जाएगा। सफ़ेद राइनो, हाल ही में शोधकर्ताओं ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया का उपयोग करके उत्तरी सफ़ेद राइनो का एक भ्रूण बनाया है। देखिए वर्तमान में विश्व में केवल 2 उत्तरी सफ़ेद राइनो हैं। सफ़ेद राइनो क्या है? देखिए हाथी के बाद सफ़ेद राइनो दूसरा सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपाई है। देखिए जलीय स्तनधारी तो व्हेल मछली है, स्थल पर हाथी है। हाथी के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा स्थलपाई है स्तनधारी स्थल पर रहने वाला वो है सफ़ेद राइनो, और ये विश्व में केवल 2 हैं। सफ़ेद राइनो के ऊपरी होंठ वर्गाकार होने के कारण इसको वर्गाकार होंठों वाला गैंडा भी कहा जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में आरावली और विंध्य पर्वत की श्रृंखलाओं के जंक्शन पर स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है दक्षिण में चंबल नदी और उत्तर में बनास नदी के द्वारा घिरा हुआ है। चंबल नदी क्या है? देखिए चंबल नदी का उद्गम जो है वो विंध्य श्रेणी से जाना पाओ पहाड़ियों से होता है। ये मालवा पठार पर बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना में जाकर के मिल जाती है, और चंबल नदी पर गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर बांध जो हैं और कोटा बैरेज बनाए गए हैं। बनास नदी क्या है?
बनास नदी चंबल की सहायक नदी है और ये अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर यह चंबल से मिल जाती है। जेनो बोट्स, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला जीवित रोबोट बनाया है जिसका नाम है जेनो बोट्स। ये जीवित रोबोट कैसे है देखिए, इस रोबोट का निर्माण नोकदार पंजे वाले अफ्रीकी मेंढक की कोशिकाओं से किया गया है, इसीलिए इसको जीवित रोबोट कहा गया है। व्हाइट फ्लाई, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में व्हाइट फ्लाई की वजह से नारियल की फसल को नुकसान हो रहा है। व्हाइट फ्लाई, इसे ग्लास हाउस व्हाइट फ्लाई या ग्रीन हाउस व्हाइट फ्लाई भी कहा जाता है, एक कीट है जो विश्व के समशीतोष्ण क्षेत्रों में निवास करता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है ट्राइलेरोडस बेप्रारियोरम, इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। शेखर, शेखर क्या है देखिए, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI के वैज्ञानिकों ने गुलदाउदी की एक नई किस्म का विकास किया है जिसका नाम है शेखर। तो शेखर क्या है, ये गुलदाउदी की एक नई किस्म है। इस नई किस्म को गामा विकिरण के द्वारा उत्परिवर्तन के द्वारा जो है विकसित किया गया है। गुलदाउदी एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है किंतु इसको मूल रूप से यूरेशिया क्षेत्र में उगाया गया था। कारवार बंदरगाह, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सागरमाला परियोजना के तहत कारवार बंदरगाह का विस्तार करने की परियोजना के खिलाफ स्थानीय मछुआरों के विरोध को देखते हुए इसके दूसरे चरण के कार्यों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। तो चलिए जानते हैं कारवार बंदरगाह कहाँ है। कारवार बंदरगाह जो है न्यू मंगलोर पोर्ट जो है और मार्मागाव पोर्ट के बीच में कारवार की खाड़ी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। यह राज्य सरकार के स्वामित्व वाला एकमात्र बंदरगाह है और इसका संचालन जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा किया जाता है। नाविक, नाविक के विषय में जानते हैं। देखिए क्वालकम टेक्नोलॉजी ने भारतीय क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली जिसको नाविक कहा जाता है की सुविधा प्रदान करने वाली एक मोबाइल चिपसेट का अनावरण किया है। उपयोगकर्ता ऐसे मोबाइल चिपसेट से युक्त नाविक का उपयोग भारतीय क्षेत्र एवं इसके पड़ोसी देशों में कर सकेंगे। चिपसेट जारी करने से स्मार्टफोन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स द्वारा नाविक के उपयोग में वृद्धि होगी। आर्किया, हाल ही में पुणे में नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसोर्स के वैज्ञानिकों ने एक नया आर्किया का पता लगाया है। इस नए आर्किया की खोज राजस्थान के सांभर झील में की गई है। आर्किया क्या होता है, आर्किया सूक्ष्म जीवों का एक प्राचीन समूह है जो गर्म झरनों, ठंडे रेगिस्तानों और अति लवणीय झीलों में आवासों में पनपता है। यानी ये गर्म झरनों में रह सकता है, ठंडे रेगिस्तानों में भी रह सकता है और अति लवणीय झीलों में पनपता है। ये सूक्ष्म जीवों का एक समूह होता है। इन जीवों में जीन क्लस्टर के निर्माण की क्षमता होती है जो बेहद कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए जो है आर्किया के उपापचय को बनाए रखने के लिए मदद करते हैं। ये जीव धीमी गति से बढ़ते हैं और मनुष्य की आंतों में मौजूद होते हैं। इनमें मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने की क्षमता होती है। भारत पर्व 2020, देखिए केंद्रीय मंत्रालय, केंद्रीय जो पर्यटन मंत्रालय है कुछ अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से जनवरी 2020 में 26 से 31 तारीख तक लाल किले में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाने वाले 5 दिवसीय भारत पर्व का आयोजन कर रहा है। ये आयोजन गणतंत्र दिवस समारोह का ही हिस्सा है। आयोजन जनवरी में किया गया। इसकी थीम रही एक भारत श्रेष्ठ भारत। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर इस समारोह को मनाया गया। उद्देश्य इसका था, इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों को भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा कराने के लिए देखो अपना देश भावना का संचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। बार हेडेड गीज, देखिए इस बार बार हेडेड गीज ने कर्नाटक में
कुंडवाड़ा झील के बजाय कुंडाजी झील को अपना निवास स्थान बनाया है। देखिए, बार हेडेड गीज मध्य चीन और मंगोलिया में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? मध्य चीन में और मंगोलिया में। और ये सर्दियों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में आता है और मौसम के अंत तक जो है, यानी सर्दी के अंत तक रहता है। हर बार जो है ये कुंडवाड़ा झील में आता था, इस बार इसने जो है कुंडाजी झील को अपना निवास स्थान बनाया है। कुंडवाड़ा झील कहाँ है? देखिए, कुंडवाड़ा झील जो है कर्नाटक के दावणगेरे शहर में पीने का पानी उपलब्ध कराती है। यानी ये कर्नाटक में झील है और ये फ्रेश वाटर की झील है जो पीने का पानी उपलब्ध कराती है। बार हेडेड गीज जो है वो कुंडवाना, अब की बार कुंडवाड़ा झील में क्यों नहीं आया है? देखिए, कुंडवाड़ा झील के आसपास के क्षेत्र में कृषि भूमि के बड़े हिस्से को आवासीय क्षेत्र में बदलने के कारण जो है, अब यहाँ पर बार हेडेड गीज का आवास एवं आहार में कमी हो गई, इसलिए वो इस बार कुंडाजी झील में पहुँच गया। ये जो कुंडाजी झील है वो कहाँ है? ये भी कर्नाटक में जो है दावणगेरे शहर से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। ये दक्षिण भारत के प्रमुख स्काउट और गाइड प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ पर वहीं पर स्थित है। ऑपरेशन अल्बेरिक प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाओं में से एक है। ऑपरेशन अल्बेरिक, इस पर एक फिल्म जो है 1917 को भारत में रिलीज किया गया है। ये फिल्म प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दो ब्रिटिश सैनिकों की कहानी पर आधारित है, जिन्हें संदेश पहुंचने के लिए खतरनाक क्षेत्र से गुजरने का एक मिशन दिया जाता है, जिस मिशन का नाम है ऑपरेशन अल्बेरिक। तांडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, देखिए तांडोबा जो अंधारी टाइगर रिजर्व है वो मध्य भारत में महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित है। अंधारी वन्यजीव अभयारण्य को ही 1986 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तांडोबा वन्यजीव अभयारण्य और अंधारी वन्यजीव अभयारण्य को संयुक्त रूप से 1995 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तांडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। यहाँ उगने वाले जो है एक विशेष अग्नि प्रतिरोधी पौधे की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है, जिसका नाम है एनोगेसुस लैटीफोलिया। ये जो है पलाश, यहाँ पर पलाश के वृक्ष भी पाए जाते हैं, जिन्हें जंगल की आग कहा जाता है, यानी ब्यूटा मोनोस्पर्मा। ये जो वृक्ष हैं जिसका ये वैज्ञानिक नाम है ब्यूटा मोनोस्पर्मा, वो पलाश के पौधे कहे जाते हैं, इनको जंगल की आग भी कहा जाता है। कलर कोडेड वेदरिंग वेदर वार्निंग, देखिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बारिश के लिए एक पीला कोड मौसम चेतावनी जारी की है। ये कलर कोडेड वेदर वार्निंग क्या होती है? इसे देश के शीर्ष मौसम एजेंसी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसमें देखिए जो कलर होते हैं उनका क्या मतलब होता है, जैसे लाल रंग का अगर वार्निंग है तो इसका मतलब होता है बेहद खराब मौसम की उम्मीद है। एम्बर रंग, ये मौसम के खराब होने की संभावना होने के लिए तैयार रहने की चेतावनी देता है। पीला रंग जो है वो लोगों को सतर्क करने के लिए किया जाता है, मौसम का अध्ययन किया जा रहा है। हरा रंग, कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार अलग अलग रंगों के अलग अलग मतलब होते हैं इसमें। गतका, गतका क्या है? देखिए सिख समुदाय जो होता है, सिख समुदाय के लोगों ने जो है वो बाबा दीप सिंह की 338वीं जयंती के उपलक्ष्य में गतका का प्रदर्शन किया है। ये सिख धर्म से जुड़ा हुआ एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। ये एक गतका जो है वो मार्शल आर्ट है जो सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। गतका का अभ्यास जो है वो खेला ये अनुष्ठान के रूप में किया जाता है। ये खेल दो लोगों के द्वारा लकड़ी की लाठी से खेला जाता है, जिसको गतका कहा जाता है। इस खेल में लाठी के साथ ढाल का भी प्रयोग किया जाता है, आपने देखा होगा
सिख लोग जो है लाठी और ढाल का प्रयोग करके गतका का खेल करते हैं। ऐसा माना जाता है कि छठे सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने मुगल काल के दौरान आत्मरक्षा के लिए जो है कृपाण को अपनाया था, और दसवें सिख गुरु गोविंद सिंह ने, ये जो छठे सिख गुरु हैं हरगोविंद सिंह ने जो है कृपाण को अपनाया था, और जो दसवें सिख गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह ने जो है आत्मरक्षा हेतु हथियारों के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया था। अनंबकम पेरुम्बकम और बेंगाइवसाल झीलें, ये तीन झीलें हैं। देखिए अडंबकम पेरुम्बकम और बेंगाइवसाल झीलें, देखिए तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर की ये तीनों झीलें हैं, अडंबकम पेरुम्बकम और बेंगाइवसाल को इको पार्क में बदला जाएगा। ये तीनों झीलें जो हैं वो तमिलनाडु राज्य की हैं और इनको इको पार्क में बदला जाएगा। इस परियोजना के प्रमुख घटक हैं बच्चों के खेलने का क्षेत्र, इको पार्क, जल निकायों के आसपास लान और फुटपाथ, ये सब यहाँ बनाया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य है जल संग्रहण क्षमता में सुधार करना और आसपास के भूजल स्तर को समृद्ध करना। मेसोथीलियोमा, हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर आरोप लगाया गया है कि इसके बेबी पाउडर में एस्बेस्टस होता है। एस्बेस्टस जानते ही है आप, हैं एक पदार्थ है, ये एक प्रकार का जो है दुर्लभ कैंसर मेसोथीलियोमा का कारण बन सकता है। यानी कि जो एक बहुत फेमस कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, इसका बेबी पाउडर है, बहुत से प्रसाधन के प्रोडक्ट आते हैं, तो इस पर आरोप लगाया गया है कि इसका जो बेबी पाउडर है उसमें एस्बेस्टास का प्रयोग किया जाता है, और एस्बेस्टास जो है वो एक कैंसर का कारण बनता है, जो कैंसर का नाम है मेसोथीलियोमा। देखिए टेलकम पृथ्वी पर जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खनिज है, जिसमें एक गुण होता है कि ये नमी अवशोषित करने की क्षमता रखता है, इसीलिए इसको जो है बेबी पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब टेलकम के खनन के दौरान जो है एस्बेस्टस भी मिलता है, जिसे मेसोथीलियोमा और एस्बेस्टोसिस जैसे स्वास्थ्य जोखिमों से जोड़ा गया है। यानी टेलकम के साथ साथ जो है वो एस्बेस्टस भी पाया जाता है, और जिससे जो है ये मेसोथीलियोमा कैंसर हो जाता है। ये जो मेसोथीलियोमा है वो कैंसर एक आक्रामक एवं घातक रूप है जो ऊतकों की पतली परत में होता है और आंतरिक अंगों के अधिकांश हिस्सों को कवर करता है। इसे आंतरिक अंगों के हिस्से को प्रभावित करने के आधार पर अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया जाता है। ये जो दूसरी चीज है एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टस एक खनिज है जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। एस्बेस्टोस फाइबर उष्मा का कुचालक होता है और इसका प्रयोग जो है इंसुलेशन में, चर्म रोग, फर्श बनवाने और कई प्रकार के उत्पादों को प्रोडक्ट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑपरेशन वनीला, भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों को सहायता और राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन वनीला की शुरुआत की। ऑपरेशन वनीला के तहत भारतीय नौसेना के पोत INS इरावत को जो है इस मिशन में लगाया गया। ये एक उष्ण कटिबंधी चक्रवात है। इसका जो उद्भव है वो 25 जनवरी को दक्षिण हिंद महासागर में हुआ था, और जो मेडागास्कर है वो हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है और विश्व का ये चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। पीला रतुआ एलोरस्ट, देखियो गेहूँ की फसल में ये रतुआ रोग होता है, गेहूँ की फसल को प्रभावित करने वाला पीला रतुआ जो है एक रोग है। पीला रतुआ एक कवक यानी फंगस से फैलने वाला रोग है जो पत्तियों को पीला कर देता है, जिससे क्या होता है पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती हैं और मर जाती हैं। यह रोग जो है मैग्नापोर्थ ओयरजे फंगस के कारण होता है। यह कवक गेहूं की पत्तियों को प्रभावित करता है और इसके क्लोरोफिल को खाता है, जिससे पौधों की वृद्धि प्रभावित हो जाती है
और इससे जो है उत्पादन 20% तक गिर जाता है। थ्रू द वॉल रडार, देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc के शोधकर्ताओं ने चावल के दाने से भी छोटा थ्रू द वॉल रडार विकसित किया है। थ्रू द वॉल रडार जैसा नाम से स्पष्ट है कि ये दीवार के आर पार देख सकने वाला एक रडार है। ये रडार जो है संपूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। ये पारंपरिक रडार की तुलना में जो थ्रू द वॉल रडार है न केवल दीवार के पीछे व्यक्तियों की उपस्थिति का पता लगा सकता है बल्कि उनके कार्यों और शारीरिक मुद्राओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है कि वो कैसे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। संप्रीति 2020, भारत के उमरोई, मेघालय में उमरोई है, में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया जिसका नाम है संप्रीति 2020। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच में व्यापक स्तर पर अंतर संचालन और सहयोग को बढ़ाना। भीमा कोरेगांव युद्ध, 1 जनवरी 2020 को वर्ष 1818 में हुए भीमा कोरेगांव युद्ध के 202 वर्ष पूरे हो गए हैं। देखिए भीमा कोरेगांव युद्ध जो है इसके विषय में भी जानेंगे क्या है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित पेरणे गांव में भीमा कोरेगांव युद्ध के सैनिकों की स्मृति में रण स्तंभ का निर्माण किया गया है जहां प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को इस युद्ध की वर्षगांठ मनाई जाती है। भीमा कोरेगांव युद्ध क्या है? 1 जनवरी 1818 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 500 सैनिकों की एक छोटी कंपनी जिसमें ज़्यादातर सैनिक महार समुदाय से थे, इन्होंने पेशवा शासक बाजीराव द्वितीय की लगभग 28,000 सैनिकों वाली सेना को लगभग 12 घंटे तक चले युद्ध में पराजित किया था। भीमा कोरेगांव के युद्ध में जिन महार सैनिकों ने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की उनके सम्मान में वर्ष 1822 में भीमा नदी के किनारे काले पत्थरों से एक रण स्तंभ का निर्माण किया गया था महाराष्ट्र में पुणे जिले में। सोमेश्वरा वन्य जीव अभयारण्य, सोमेश्वरा वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित है। कर्नाटक के उडुपी जिले में पश्चिम घाट में स्थित इस अभयारण्य को वर्ष 1974 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। यह कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान इस अभयारण्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, क्या है? देखिए 1987 में राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया था। चिकमंगलूर में है ये कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ियों का ये एक ऊंचा शिखर है। कुद्रेमुख कर्नाटक में जो है मुलयान गिरी और बाबा बुदन गिरी के बाद तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि ये जो मुलयान गिरी है और उसके बाद बाबा बुदन गिरी है, इन दो के बाद में जो है तीसरी सबसे ऊँची चोटी है कुद्रेमुख। मिजरी इंडेक्स, हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को मिजरी इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है। मिजरी इंडेक्स को अर्थशास्त्री आर्थर ओकुन के द्वारा विकसित किया गया था। यह इंडेक्स किसी देश में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर को जोड़कर निकाला जाता है इस इंडेक्स को, और इस सूचकांक का स्कोर जितना अधिक होगा देश के नागरिकों में उतनी ही दयनीय दशा होगी। वर्चुअल पुलिस स्टेशन, ओडिशा सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है जहां लोग जो है बिना जिले के पुलिस स्टेशन में जाए हुए वाहनों की चोरी से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन वर्चुअल पुलिस स्टेशन पर दर्ज करा सकते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, देखिए हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इस बार भी मनाया गया और इस बार की जो थीम थी 2020 की वो थी आर्द्र भूमि और जैव विविधता। आर्द्र भूमि जो है वेटलैंड पर रामसर अभिसमय कन्वेंशन यानी स्थायी समिति द्वारा 2021 के लिए स्वीकृत की गई थीम आर्द्र भूमि और जल है। यानी कि 2021 के लिए जो है थीम क्या रहेगी, आर्द्र भूमि और जल। फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल जिसे रुबिगुला भी कहा जाता है,
इसको 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर के रूप में चुना गया है। फ्रेम थ्रोटेड बुलबुल क्या है? ये जो है गोवा का राजकीय पक्षी है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जो है यानी IUCN उसकी रेड लिस्ट में संकट बहुत कम यानी लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है और यहाँ पर इसको जो है 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर बनाया गया है, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। बांदीपुर टाइगर रिजर्व। हाल ही में भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार और रजनीकांत ने कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में एक डिस्कवरी चैनल कार्यक्रम इंटू द वर्ल्ड बाय बियर ग्रिल्स को फिल्माया है। ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है देखिए, ये राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1974 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर में काबिनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी से घिरा हुआ है। दो नदियां हैं काबिनी और मोयार, इससे घिरा हुआ ये जो है और ये कर्नाटक में स्थित है और नुगु नदी जो है इस पार्क से होकर के बहती है नुगु नदी। 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 फरवरी 2020 को हरियाणा के सूरजकुंड में 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है। 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला प्रत्येक वर्ष जो है ये 1 से 15 फरवरी तक हरियाणा में सूरजकुंड में भारत का एक पारंपरिक शिल्प उत्सव आयोजित किया जाता है और ये 1987 में शुरू किया गया था। मुक्ति कारवां। हाल ही में राजस्थान सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मुक्ति कारवां अभियान को हरी झंडी दिखाई है राजस्थान सरकार ने। मुक्ति कारवां क्या है? मानव तस्करी और बाल श्रम को इसके प्रति जो है लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए ये कारवां है, अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य है बाल तस्करी, जबरन श्रम, बच्चों के यौन शोषण जैसे मामलों से निपटने के लिए निवारक प्रतिक्रियाओं के बारे में लोगों को जानकारी देना। इस अभियान का नेतृत्व जो है कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और राजस्थान पुलिस के द्वारा जो है किया जा रहा है। बूढ़ी दिहंग नदी। ऑल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी जो तेल की कंपनी है ऑयल की, भूमिगत तेल पाइपलाइन से रिसाव होने के कारण जो है असम के डिब्रूगढ़ जिले में नाहर कटिया के पास में बूढ़ी दिहंग नदी में आग लग गई। तो बूढ़ी दिहंग नदी क्या है? बूढ़ी दिहंग नदी जो है पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, इसको दिहंग नदी भी कहा जाता है। उद्गम कहाँ से होता है? ये अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में आकर के मिलती है। क्लासिक स्वाइन फीवर। ICAR और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने जो है क्लासिक स्वाइन फीवर की जो है वैक्सीन विकसित की है। क्लासिकल स्वाइन फीवर एक संक्रामक बुखार होता है जो सुअरों के लिए जानलेवा साबित होता है और इसके कारण जो है सुअरों की संख्या में कमी आ रही है। ऊझ बहुउद्देशी परियोजना जो है सिंध जल संधि के तहत भारत ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए ऊझ बहुउद्देशी परियोजना की समीक्षा की है। ये इस परियोजना का निर्माण जो है जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले में ऊझ नदी पर जो है बनाने की योजना है। ऊझ नदी जो है वो रावी नदी की एक सहायक नदी है। संतुष्ट पोर्टल। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए संतोष पोर्टल को शुरू किया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इसका उद्देश्य है पारदर्शिता, जवाबदेही, सार्वजनिक सेवाओं का प्रभावी वितरण और नीतियों का क्रियान्वयन। निरंतर निगरानी के माध्यम से जमीनी स्तर पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की योजनाओं को बढ़ावा देना संतोष पोर्टल किससे संबंधित है? ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित है।
विक्रम साराभाई शताब्दी कार्यक्रम। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और परमाणु ऊर्जा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी DAE द्वारा जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई की समी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर एक वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रम के तहत विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। यह उत्सव 12 अगस्त 2019 को अहमदाबाद में शुरू हुआ था, क्योंकि 12 अगस्त को जो है विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था 1919 में। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने गुजरात के अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी और इस प्रयोगशाला की स्थापना जो है 1947 में की गई थी। रथ सप्तमी। आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले की अरसाविल्ली में स्थित प्रसिद्ध सरयू मंदिर में रथ सप्तमी के अवसर पर सूर्य नारायण स्वामी की पूजा की जाती है। प्रतीकात्मक रूप से ये त्यौहार भगवान सूर्य को समर्पित है। अमराबाद टाइगर रिजर्व। हाल ही में तेलंगाना के अमराबाद टाइगर रिजर्व में आग लग गई थी, इसीलिए ये चर्चा में है। ये कहाँ है? तेलंगाना राज्य में है और इस टाइगर रिजर्व का क्या नाम है? अमराबाद टाइगर रिजर्व। ये जो है नल्लामाला पहाड़ियाँ हैं, वहीं पर उसी में ये स्थित है। ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यानी जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है उसके बाद में ये दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। श्री बृहदेश्वर मंदिर। तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में हजारों लोग श्री बृहदेश्वर मंदिर में कुंभ अभिषेकम यानी जलाभिषेक समारोह के गवाह बने, ये न्यूज है। इस समारोह को 23 वर्षों के बाद आयोजित किया गया है। देखिए, काफ़ी दिन से ये समारोह नहीं हो रहा था, इसमें कुछ विवाद था। ये जो कुंभाभिषेकम समारोह है, इसमें जो श्लोक उच्चारित किए जाते हैं ये किस भाषा में किए जाएं, इसी को लेकर के थोड़ा विवाद था, तो उस पर अब निर्णय हो गया है। इसीलिए 23 वर्षों के बाद में ये तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में किया गया है। इस विवाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के हलफनामे पर सहमत जताई, जिसमें कि कहा गया है कि समारोह संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं में होना चाहिए। श्री बृहदेश्वर मंदिर जो है वो क्या है? श्री बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में स्थित है। ये प्रसिद्ध जो वहाँ के मंदिर हैं उनमें से एक है। इसे पेर उदयार कोयल के नाम से जाना जाता है। ये विश्व के सबसे बड़े एवं भव्य मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण चोल सम्राट राजा राज प्रथम के द्वारा करवाया गया था और उनके नाम पर ही इसे राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर जो है ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है और इसमें बड़े बड़े शिलाखंडों का इस्तेमाल किया गया है। इस मंदिर के निर्माण की कला की एक विशेषता है कि इसके गुंबद की परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती है कभी भी, और इसके शिखर पर एक स्वर्ण कलश स्थित है जिसे पत्थर पर यह कलर जिस पत्थर के ऊपर ये कलश लगाया गया है उसका वजन जो है 80 टन के लगभग है, और इस मंदिर की उत्कृष्टता के कारण ही इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थान दिया गया है। वधावन बंदरगाह। देखिए, वधावन बंदरगाह ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के दहान के पास में वधावन बंदरगाह स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। यानी कि वधावन बंदरगाह कहाँ बनेगा? ये महाराष्ट्र के दहानू के पास में। वधावन बंदरगाह को लैंड लॉर्ड पोर्ट मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। एंगुइला कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीप है जो दो नवीन प्रौद्योगिकियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैनिटी URL के माध्यम से इसने वित्तीय लाभ कमाया है। जो कैरिबियन कंट्री हैं, जैसे आप जानते ना, कैरिबियन कंट्री जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं, कैरिबियन सागर के आसपास छोटे छोटे देश हैं, वहीं पर एक देश है एंगुइला। एंगुइला का जो डॉट
कोड है वो है AI, जैसे भारत का .in होता है वैसे ही वहाँ का AI है, कंट्री कोड है वहाँ का। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक संक्षिप्त रूप भी है। देखिए ये इत्तेफाक की बात है कि एंगुइला कंट्री का जो कोड है वो AI है, और वर्तमान में जो एक लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको भी AI ही कहा जाता है। तो अब क्या है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एंगुइला को वित्तीय लाभ कैसे इसमें मिला? जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप या कोई बड़ी कंपनी या कोई निवेशक द्वारा इंटरनेट एड्रेस जो कि .ai के साथ समाप्त होता हो ऐसा जब पंजीकृत या नवीनीकृत करवाता है, तो इस द्वीपी देश को जो है इस द्वीप को वार्षिक रूप से $50 का शुल्क उन कंपनियों को देना पड़ता है, और इससे एंगुइला के सरकारी राजकोष में पैसा पहुंचता है। देखिए .ai बहुत सी कंपनियां चाहती हैं कि उनकी वेबसाइट में लास्ट में .ai लगा हो, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही हैं, लेकिन .ai लेने के लिए उन्हें एंगुइला को जो है $50 का शुल्क वार्षिक रूप से देना पड़ता है, क्योंकि .ai एंगुइला का करंटी कोड है। एंगुइला क्या है, ये जो है पूर्वी कैरिबियन सागर में स्थित एक ब्रिटिश समुद्र पारी द्वीप है, यानी कि इस द्वीप पर जो है ब्रिटेन का कब्जा है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई टाइगर रिजर्व, हाल ही में तमिलनाडु राज्य के मधुमलाई टाइगर रिजर्व में बंदी हाथियों के लिए कायाकल्प शिविर का शुभारंभ किया गया है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के त्रि जंक्शन पर स्थित है। भारत के सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही ये हिस्सा है। सारंग, आर्टेमिस फैक्ट्री बोर्ड ने भारतीय सेना को पहली अपग्रेडेड आर्टिलरी गन सारंग सौंपी है। यानी सारंग क्या है, ये आर्टिलरी गन है, इसका नाम है सारंग। ये 155 mm और 45 कैलिबर की जो है एक गन है। 130 mm वाली M46 आर्टिलरी गन को अपग्रेड करके 155 mm तक जो है इसको बढ़ाया गया है। अपग्रेड होने के बाद इस आर्टिलरी गन की रेंज जो है 27 किलोमीटर से बढ़ करके 36 किलोमीटर हो गई है। भारत बांग्लादेश रेल लिंक, पूर्वोत्तर भारत को बांग्लादेश से जोड़ने वाली रेल लाइन 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगी। ये जो है त्रिपुरा राज्य के अगरतला से बांग्लादेश के अखौरा के बीच में ये रेल लाइन जो है बनाई जा रही है। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र से बांग्लादेश तक चलने वाली पहली ट्रेन मार्ग जो है बनेगी। माउंट अकांकागुआ, 12 साल की छात्रा काम्या कार्तिकेयन जो है माउंट अकांकागुआ पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं। ये दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है और एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है माउंट अकांकागुआ। देखिए माउंट अकांकागुआ की ऊंचाई 6,962 मीटर है, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 या फिर 8,850 भी माना जाता है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और एंडीज में जो है माउंट अकांकागुआ जो है एक मृत ज्वालामुखी सबसे वहाँ की ऊंची चोटी है। अगर एशिया के बाहर की बात करें, देखिए जो टॉप ऊंचे शिखर हैं वो सब एशिया में ही हैं, हिमालय में। तो एशिया के बाहर की बात अगर करें तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो अर्जेंटीना में स्थित माउंट अकांकागुआ ही है, अगर एशिया को छोड़ दिया जाए। ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम, देखिए अफ्रीकी देश इथियोपिया जो है विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम का निर्माण कर रहा है, जो सूडान सीमा के पास नील नदी पर बनाया जा रहा है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी बांध परियोजना है, इसका नील नदी पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा। इथियोपिया के तराई क्षेत्र में नील नदी अफ्रीका के उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, इस पर जो है पनबिजली बांध बनाया जा रहा है। सोलर ऑर्बिटर प्रोब, हाल ही में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष
प्रशासन यानी नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य के ध्रुवों को मापने के लिए एक सोलर आर्बिटर प्रोब लॉन्च किया है। सूर्य के ध्रुवों के संबंध में अध्ययन के लिए नासा और ईएसए ने 9 फरवरी 2020 को सोलर आर्बिटर प्रोब मिशन लॉन्च किया। इसे फ्लोरिडा के केप कैनेवरल स्पेस सेंटर जो है अमेरिका का, वहां से लॉन्च किया गया है। अजय वारियर 2020। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है, उसका नाम है अजय वारियर, और ये 2020 में जो किया गया, अजय वारियर 2020। यानी कि अजय वारियर जो है वो सैन्य अभ्यास है किसके किसके बीच में, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। इसको जो है यूनाइटेड किंगडम के सेली सबरी मैदान में आयोजित किया गया। ये अभ्यास 2 साल में एक बार होता है और बारी बारी से भारत और यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाता है। इस बार इसको यूनाइटेड किंगडम के सेली सबरी मैदान में किया गया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 30 करोड़ बच्चों और किशोर किशोरियों को लाभान्वित करने के लिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का 10वां चरण का आयोजन किया है। कृमि मुक्ति दिवस वर्ष में 2 बार 10 फरवरी और 10 अगस्त को सभी राज्यों और सभी संघ शासित प्रदेशों में एक साथ मनाया जाता है। इस अभियान के तहत सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों में, निजी स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में 1 से 19 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, किशोर किशोरियों को कृमि से बचाव के लिए सुरक्षित दवा दी जाती है। उस दवा का नाम है अलबेंडाजॉल। इस दवा का नाम याद रखेंगे आप, अलबेंडाजॉल जो है वो कृमि यानी जो पेट में कीड़े हो जाते हैं उनके लिए ये दवा दी जाती है। चिंदू यक्षगानम। तेलंगाना में प्रचलित है चिंदू यक्षगानम, एक प्राचीन लोक नाट्य है। कहाँ का? तेलंगाना का। क्या नाम है? चिंदू यक्षगानम। तेलुगु भाषा में चिंदू शब्द का अर्थ होता है कूदना। यक्षगान को प्रस्तुत करने वाला प्रस्तुति के दौरान बीच बीच में छलांग लगाता और कूदता है, इसीलिए इसको चिंदू यक्षगानम कहा जाता है। थ्वाइट्स ग्लेशियर। थ्वाइट्स ग्लेशियर जो है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिका क्षेत्र में थ्वाइट्स ग्लेशियर के नीचे गर्म जल का पता लगाया है, जिसके कारण ये ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इस ग्लेशियर का आकार लगभग ब्रिटेन के आकार के बराबर है। अध्ययन में पाया गया है कि पिछले 30 वर्षों में इसकी बर्फ़ पिघलने की दर लगभग दुगनी हो गई है। थ्वाइट्स ग्लेशियर ये कहाँ है? ये अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित है। सिद्दी जनजाति। भारतीय संसद में लोकसभा ने ध्वनिमत से संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2019 पारित कर दिया। इस विधेयक में जो है परिवारा और तलवारा समुदायों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में जो है शामिल करने का प्रयास किया गया है। किसको किसको? तलवारा और परिवारा को जो है अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा। बेलागवी और धारवाड़ की सिद्दी जनजातियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। सिद्दी लोग इंडो अफ्रीकी आदिवासी समुदाय से हैं। इन्हें हबसी और बादशाह जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। सिद्दी लोग जो हैं भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में निवास करते हैं। ये मूल रूप से गुजरात के जूनागढ़ जिले में विशेष रूप से निवास करते हैं। डार्क फाइबर। 3 प्रमुख दूर संचार सेवा प्रदाता रिलायंस जियो, इन्फोकॉम, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने जो है डार्क फाइबर का उपयोग करने के लिए राज्य द्वारा संचालित भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड से संपर्क किया है, यानी BBNL से। ये डार्क फाइबर क्या होता है? यह एक अप्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर है जिसे बिछाया जा चुका है, किंतु वर्तमान में फाइबर ऑप्टिक संचार में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। मन कृष्णा। आंध्र प्रदेश सरकार ने
क्लीन कृष्णा गोदावरी कैनाल्स मिशन, क्लीन कृष्णा गोदावरी कैनाल्स मिशन और प्लास्टिक विरोधी अभियान के तहत कृष्णा नदी से निकाली गई नहरों की सफाई करने के लिए मन कृष्णा अभियान लॉन्च किया है। यानी मन कृष्णा अभियान क्या है, ये कृष्णा नदी से निकाली गई नहरों की सफाई के लिए है। मुक्त श्रुति, पश्चिम बंगाल सरकार ने वहाँ की जो शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई चावल की एक नई किस्म मुक्तोश्री के व्यवसायीकरण की अनुमति दे दी है। और ये जो मुक्तोश्री है ये आर्सेनिक प्रतिरोधी प्रजाति है, यानी ये चावल की प्रजाति है और ये आर्सेनिक प्रतिरोधी है। देखिए मुक्तोश्री आईआईटी 21845 नाम से भी इसको जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में भूजल में आर्सेनिक की सांद्रता वहाँ पर ज़्यादा है और इसी वजह से ये जो चावल है ये उस आर्सेनिक को नहीं सोखेगा, यानी प्रतिरोधी है उसके। भूजल और मिट्टी के द्वारा आर्सेनिक धान के खेत में पहुँच जाते हैं और फिर खाद्य श्रृंखला में पहुँचते हैं, यानी उसको खाने वाले लोगों के अंदर। तो ये किस्म जो है वो आर्सेनिक प्रतिरोधी है। जल जीवन मिशन, राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद के मानदंडों में बदलाव की मांग की है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करने की योजना है ताकि राज्यों पर वित्तीय बोझ कम हो सके। वर्तमान में जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच में योजना की जो लागत होती है वो 50-50 के अनुपात में हिस्सेदारी की जाती है। हम्पी, उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के वीरूपापुरा गद्दी, कर्नाटक में है वीरूपापुरा गद्दी, वहाँ पर निर्मित रेस्तरां, होटल, गेस्ट हाउस व अन्य इमारतों को ध्वस्त करने हेतु कर्नाटक सरकार के निर्णय की पुष्टि की है। देखिए वीरूपापुरा गद्दी जो है वो तुंग भद्रा नदी द्वारा निर्मित एक अंडाकार आइलेट है जो हम्पी विश्व धरोहर स्थल के पश्चिम में स्थित है। अपीरी ऑन व्हील्स, केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री MSME के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने दिल्ली में अपीरी ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाई। ये क्या है अपीरी ऑन व्हील्स, ये मधुमक्खियों को पालने वाले एवं उनके बक्सों को जो है आसानी से एक स्थान से दूसरे पर स्थान पर ले जाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक अनूठी पहल है। अपीरी ऑन व्हील्स जो है एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसके द्वारा मधुमक्खियों के 20 बक्सों को बिना किसी परेशानी के एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जा सकता है। कोणार्क सूर्य मंदिर, केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने बताया कि उड़ीसा में लगभग 800 वर्ष पुराने कोणार्क सूर्य मंदिर को संरक्षित करने की योजना जल्दी ही तैयार की जाएगी। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर भगवान सूर्य के रथ का एक विशाल प्रतिरूप है। ये मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में चंद्राभागा नदी के तट पर स्थित है। अंग्रेजी भाषा में इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। उड़ीसा स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। एशियाई हाथी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेजबानी भारत करेगा। इस सम्मेलन में एशियाई हाथी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वैश्विक संरक्षण सूची में शामिल किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन जो है गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। दिशा पुलिस स्टेशन, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम शहर में पहले दिशा पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। इसके साथ एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है, दिशा ऐप।
जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति यदि वह फोन को ऑपरेट नहीं कर पा रहा है तो संकट की स्थिति में सिर्फ अपने फोन को हिला करके चेतावनी दे सकता है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु वन विभाग ने मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान के एक हिस्से में 20 किलोमीटर लंबी फायर लाइन का निर्माण का कार्य शुरू किया है। ये पश्चिमी घाट में तमिलनाडु के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। इस उद्यान को पहले नीलगिरी ताहर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। फायर लाइन क्या है ये? फायर लाइन वनों में लगने वाली आग को रोकने के लिए वन क्षेत्रों में उपलब्ध वनस्पतियां जिनमें आग लगने की अधिक संभावना होती है की मात्रा को सीमित करके कृत्रिम रूप से निर्मित दीवार बनाई जाती है, जिसको फायर ब्रेक भी कहा जाता है। कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। कोरकू जनजाति घास और लकड़ी से बनी झोपड़ियों में रहते हैं। वे स्थानिक रूप से तैयार की गई महुआ के फूलों से बनी शराब का सेवन करते हैं और अधिकांश जो ये होते हैं आबादी इनकी कृषक होती है। इस जनजाति के पारंपरिक त्यौहार हरियोम जिटोरी हैं, जिसमें एक महीने तक पौधारोपण अभियान चलाया जाता है। इस तरह ये लोग जो है कुपोषण एवं पर्यावरण क्षरण का मुकाबला करते हैं। ये जो मेलघाट टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1677 वर्ग किलोमीटर है। तो आगे का करंट अफेयर्स हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। परीक्षा से पहले आप जितनी बार हो सके इन सभी पार्ट्स को देख लीजिए, क्योंकि इसको सिविल सर्विसेज एग्जाम के दृष्टिकोण से ही बनाया गया है। धन्यवाद।